वर्ष में एक दिन हमारे और आपके लिए ऐसा भी है जो हमारे लिए दिवाली से कम नहीं है, रक्षाबंधन से कम नहीं है। और उस तारीख को याद रखिए, उसका नाम है 15 जनवरी, जिसे हम सेना दिवस के नाम से मनाते हैं। अंग्रेजों की हुकूमत से जब हम मुक्त हुए तो 15 जनवरी 1949 में जो सेना के जो प्रमुख बने, बड़ा अद्भुत महापुरुष था जिनका इतिहास मैंने पढ़ा है, फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, करियप्पा जी जो हमारे देश के प्रथम सेना प्रमुख रहे, 15 जनवरी 1949 देश की आजादी के बाद इन्होंने सेना के लिए बड़े प्रमुख कार्य किए। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आज पूरी दुनिया हमारी भारतीय सेना के सामने घुटने टेकती है। भारत जैसा जवान, भारत जैसा युवा पूरी दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। इसके कंधों में बहुत ताकत है, इसके घुटनों में बड़ी ताकत है, इसकी पिडरी बड़ी मजबूत है। इसकी कुछ विशेषता है भारतीय नौजवान की। यूं तो ऐसा बताते हैं कि हमारे भारत में 1895 के 1 अप्रैल को एक विशेष सेना का गठन देखा गया। आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखा जाए तो इस दुनिया की 10 टॉप सेना में भारत का नाम आता है। देश कितना बड़ा है, पौने 200 से ज्यादा देश है। उसमें जो प्रमुख 10 सेना है, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, मेरे पास आंकड़े। अब आप सोचिए, मैं इतनी सी बात बता करके मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सैनिक को, सिपाही को कितना फॉलो करता हूं। मैंने पढ़ता हूं तभी तो मुझे जानकारी है। मैं सिर्फ गीता भागवत पढ़ता हूं, ये तो चलो मेरी धमनियों में है, इसके अलावा भी मैं बहुत कुछ पढ़ता हूं। देश की 10 टॉप 10 सेनाएं इस पूरी दुनिया की बहुत ज्यादा प्रमुख हैं। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं, प्रमुख सेना 3 चीजों के ऊपर बनती है। सबसे पहली बात उनके लिए कही, एक्टिव ड्यूटी पर कितने सैनिक हैं ये देखा जाता है। जो ड्यूटी पर तैनात हैं वो कितने सैनिक हैं, और दूसरा है रिजर्व में कितने सैनिक हैं, रिजर्व में कितने हैं, ड्यूटी पर कितने हैं, और तीसरा पैरामिलिट्री। ये तीनों चीजों में भारत बहुत ज्यादा मजबूती में है। ड्यूटी पर भी हमारे पास बहुत सैनिक हैं, हमारे देश के पास रिजर्व में भी बहुत हैं, पैरामिलिट्री की भी संख्या बहुत ज्यादा है।